जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके का स्पेशल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को। दोनों प्रश्न अलग है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट और भारतीय शिक्षा का जनक कौन है, तो लॉर्ड मैकाले। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले बिहार और बंगाल का विभाजन होता है 1912 में। कब होता है? 22 मार्च 1912 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद उड़ीसा बिहार से पृथक होता है 1936 में, और लास्ट में बिहार और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इससे आपका नोट्स तैयार होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है 1936 में। आगे देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सही जवाब है सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए, इस चैनल पर आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे, और एक क्लास है रात 8:30 बजे जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था? सही जवाब है मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, और मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों, जिसे मूल्य नियंत्रण पद्धति भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में बाजार नियम यानी कि मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हमने आपको लूसेंट वाले क्लास में बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। आगे देखिए, मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि? इस प्रश्न को भी हमने आपको लूसेंट वाली क्लास में कराया था, इसलिए आप लोग 7:30 बजे की क्लास को भी डेली अटेंड करें, वहां पर लूसेंट बुक को पढ़ाया जा रहा है, और एग्जाम से पहले आपको पूरा लूसेंट को समाप्त करना है। तो मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था।
आगे देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी दिल से एक बार लाइक कर दें। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाज़ा का, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दीन ए इलाही नामक, जिसे नया धर्म भी कहा जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न को भी हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत होती है 1582 में, और किसके समय में यानी किसने किया था? तो अकबर ने किया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, अकबर का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए, दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है टोडरमल से संबंधित है। आगे देखिए, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद कर लीजिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्को, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? और देखिए, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी, बहुत ही सिंपल है, आंसर बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, जॉर्ज क्लार्को। अब यहाँ पर बहुत बच्चे आंसर बताएंगे क्या, तो लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में रेलवे का जनक है, रेलवे का जनक पूछे भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी। और भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी, तो जॉर्ज क्लार्क ने, ध्यान रखेंगे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए, भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। महात्मा गांधी की मृत्यु पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? इस प्रश्न को भी हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में कराया है, अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पर सही जवाब है पशुपालन, ध्यान रखेंगे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में ही रचित है? देखिए, टोटल वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद वाला अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में ही वर्णित है? तो यजुर्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए फटाफट से, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, गायत्री मंत्र जो है ये मिलता है ऋग्वेद में, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो और देखिए, जितने भी प्रश्न आपसे पूछते हैं उसका आंसर आप लोग
कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें, मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा सिमुक। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो यहाँ पर 19 नंबर का आंसर क्या होगा, हाल ने, याद रखिएगा हाल नरेश कौन थे, सातवाहन नरेश थे, इन्होंने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। प्रथम विधि निर्माता कौन है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आंसर बताइए प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो आप सभी जानते हैं मनु प्रथम विधि निर्माता है, ध्यान रखेंगे। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन की बात करें, पूछा जाता है तानसेन का मूल नाम क्या था, राम तनु पांडे तानसेन का मूल नाम था और ये अकबर के दरबार में रहते थे। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो सही जवाब है गुरु नानक देव को। गुरु अर्जुन देव सिखों के दसवें और आखिरी गुरु थे, इनका जन्म 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में और इनकी और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें। तो भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है, तो याद कर लीजिए डुप्ले, डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आंसर क्या होगा, डुप्ले, अगर डुप्ले ना रहता तो दूसरा आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ डुप्ले दिया गया है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डुप्ले। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर होती है, बेबीलोन में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? इन सभी प्रश्नों को हमने आपको वन लाइनर में कराया था जो लुसेंट वाली क्लास है उसमें। तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे, तो सही आंसर है कुषाणों ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? यहाँ पे देखिए शक संवत है, तो शक संवत का प्रारंभ होता है किसके समय से, तो याद कर लीजिए कनिष्क के समय से, और ध्यान रखना है कनिष्क जो है इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है कश्मीर के कुंडल वन में। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो बहुत ही सिंपल है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था, तो इसका सही जवाब है 1398 में। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? देखिए दिल्ली में बोला जा रहा है जामा मस्जिद, तो इसका सही जवाब क्या होगा, याद कर लीजिए शाहजहां ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो दोस्तों ध्यान दीजिए मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, चलिए आंसर बताइए फटाफट से, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इनका मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है।
निम्नांकित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है 10 मई से स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र है अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र है उदयन। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। और नंद वंश का आखिरी शासक पूछे तो घनानंद। और नंद वंश के बाद आता है कौन सा वंश? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश, जिसकी स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो दोस्तों, इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 24वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम याद कर लीजिए, वर्धमान। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, ऋषभदेव कौन है, जैन धर्म के संस्थापक है। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विधियों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो भारत का नेपोलियन आप सभी जानते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही जवाब क्या है? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इन्होंने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? देखिए, मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने 1526 में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पर जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। सही जवाब है बी ऑप्शन। मयूर सिंहासन तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह रंगीला, आप सभी जानते हैं। आगे देखिए, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो अभी हमने आपको बताया था, याद कीजिए, मूल शंकर किसका नाम है? मूल शंकर तो दयानंद सरस्वती का। तो आंसर क्या होगा? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पर 41 का आंसर बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में सती प्रथा के अंत में इन्होंने सहयोग दिया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। कब? तो 1942 में। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, कांग्रेस की स्थापना के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के समय में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में ही बम्बई में।
और भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी ठगी प्रथा का अंत किसने किया था आपको बताना है। तो ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं, याद कर लीजिए। यहाँ पर सही जवाब है कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या है ऑप्शन ए महमूद गजनवी के समय में अलबरूनी इतिहासकार था। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? चलिए 48 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए विजयनगर के महान साम्राज्य के जो अवशेष है ये हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? याद कीजिए हमने आपको वन लाइनर में पढ़ाया था। तो कृष्णदेव राय याद रखिएगा बाबर के समकालीन थे और इसके दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो आठ तेलुगु कवि। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आखिरी प्रश्न है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए भारत में बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।